हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीमेल का पासवर्ड या फिर अपने फेसबुक का पासवर्ड या फिर अपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट किसी का भी पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं, लॉगिन तो है आप लेकिन आप भूल गए हैं, तो हमें कैसे पता करना है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ओपन करना है क्रोम। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में हमें ये जो आपको साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है तीन डॉट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। ठीक है, ये देखिए आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको पासवर्ड का। तो पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपको देखिए यहाँ पे पासवर्ड के इतने सारे ऑप्शन है। जैसे कि मेरे अमेज़न यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे मैंने जितने भी चीज़ें लॉगिन किया है तो उसके सारे पासवर्ड यहाँ पे सेव रहते हैं कुकीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे अमेज़न का मुझे पासवर्ड पता करना है। ठीक है, मेरा अमेज़न का शॉपिंग का है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मुझे पता करना है, लॉगिन है लेकिन मुझे पता नहीं, तो कैसे पता करना है? तो बस इसी तरीके से ये जो पासवर्ड ऐप पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको आई वाला आइकन दिखाई दे रहा है बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका फ़ोन का फ़ोन लॉक का पैटर्न है या फिर पासवर्ड रखे तो वो आपको एंटर करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी अपना पासवर्ड भूल गए कोई भी तो आप इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आपको बस एक रिक्वायरमेंट कंडीशन ये है कि आपको लॉगिन क्रोम ब्राउज़र से होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।